अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल लहसुनी चना। तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस। मैंने एक बाउल में पानी ले ली हूँ और इसमें 2 कटोरी चना हम ऐड कर देंगे। मैंने एक रात पहले ही चने को भिगो दिया था। मैं आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ क्योंकि आप भी इसी तरह कीजिएगा। अगर आप बाहर से परचेस कर सकते तो आप कर लीजिएगा, बट अगर आप घर पर ही करते हो तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया है और अगेन मैं इसको धोने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको चने की थिकनेस बता रही हूँ। देखिए, अब इसके बाद मैं इसको अच्छे से धो दूंगी अगेन। इससे पहले आप देख लीजिए चने हमारे कितने छोटू से दिख रहे हैं। और इसके बाद मैं अब धोकर मैं इसे एक प्लेट ढक दूंगी और नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं हम। देखिए माशाल्लाह, हमारे सारे चने फूल चुके हैं, एकदम गोलू मोलू हो गए हैं। आप भी इसी तरह भिगोइएगा तो इंशाल्लाह आपके चने भी बहुत अच्छे से भीग जाएंगे। देखिए, मैं आपको इसको करीब से बताऊंगी अभी कि किस तरीके से फूल चुके हैं। देखिए कितने टमी हो गए हैं, टुम्मू टुम्मू। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से फूल जाएंगे आपके चने। उसके बाद में हम इस चने को कुकर में पका लेंगे। मिनिमम 3 सीटी लगाकर हम इसे पका लेंगे। देखिए हमारे सारे चने अच्छे से पक चुके हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के भी बता रही हूँ इसको। मैंने इसको प्रेस किया तो देखो कितनी प्यार से ये एकदम सॉफ्ट हो गया। अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 1 कटोरी मैदा, 1 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अंडा, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, चावल का आटा 2 टेबलस्पून, शेजवान चटनी 1 टेबलस्पून और कुछ लहसुन और स्पाइसेस और हमारा चना। डोंट वरी, स्पाइसेस मैं आपको पूरे करीब से बताऊंगी। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च और कलर और नमक स्वादानुसार। अब एक बाउल लेंगे और उसमें हम 1 अंडे का फोड़ देंगे और उसमें अब ऐड कर देंगे हम सोया सॉस। फिर हम टमाटो सॉस ऐड करेंगे। इसमें हम बैटर बनाने वाले गाइस, तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने जा रहे हैं अभी। फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस ऐसी यूनिक रेसिपी के लिए। फिर ऐड करेंगे हम शेजवान चटनी, इसको भी अच्छे तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें स्पाइसेस, जो हमारे सूखे मसाले थे। देखिए फूड कलर आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा इसमें, जैसे आपको बैटर बनाने में इजी लगे। मैंने अभी क्वांटिटी थोड़ी यूज़ की थी फूड कलर की, तो उसी तरीके से आप यूज़ कर लीजिएगा। और इसको अच्छे तरीके से फेंट देंगे अब हम, ताकि ये सारा मिक्सचर मिक्स हो जाए, पूरा सब इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिल जाए। इसलिए हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल का आटा। फिर ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लोर और जो मैदे का आटा है गाइस, वो हम जब इसका बैटर रेडी करेंगे उस अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते जाएंगे, जितना हमें क्वांटिटी की ज़रूरत है
उस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अभी मैं यहाँ पे 4 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अब जिस तरीके से मुझे बैटर बनाने में इजी लगेगा, थिकनेस चाहिए रहेगी तो मैं और ऐड करती जाऊँगी। उसी तरीके से आप भी आपको जैसा इजी लगे आप कर दीजिएगा। अब विनेगर ऐड कर देंगे 1 चम्मच हम, और इस बैटर को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। देखिए विनेगर हमने अच्छे तरीके से इसमें मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी पानी का यूज़ करके अच्छी तरीके से इस बैटर को मिक्स करेंगे। देखिए अब इसमें ऐड कर देंगे हम हमारे चने, और चनों को अच्छे से मैरिनेट करना है इसके अंदर, ताकि इसका एक अच्छा सा कोटिंग हमारे चने के ऊपर आ जाए। देखिए मैंने सब अच्छे से मिक्स करके आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ, आप भी इसी तरह आपके हिसाब से इसको मिक्स कर दीजिएगा। इसमें मैंने फूड कलर और मैदे का आटा अगेन ऐड की थी, तब जाके इसमें अच्छी से कोट हो चुका है हमारे चने। और अभी चने को फ्राई कैसे करना है उसका प्रोसेस करेंगे। तेल को गरम करना है हमें, हाई फ्लेम पे तेल रख दिया है मैंने गरम करने के लिए। और अभी इसके अंदर हम हमारे जो लहसुन थे उसको डीप करके फ्राई करेंगे। हमें डायरेक्टली उसको पूरा डीप नहीं करना है, अप डाउन करते हुए करना है, ताकि हमारे जो लहसुन है वो जले नहीं, अच्छे से क्रंची और सॉफ्ट हो जाए उस तरीके से। तो इसे हम अच्छी तरीके से डीप करते हुए फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह आप भी इसी तरह प्रोसेस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये ऐसे फ्राई किए हुए चने खाने में बहुत मज़ा आता है, प्लस उसके साथ हम लहसुन लेंगे, तो आप देखिएगा एक बार अगर आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत ही इजी और अच्छा लगेगा आपको। सारे चने हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, हल्के से ब्राउनिश फॉर्म में आ गए हैं। अब हम चने को ऐड करेंगे तेल में एक एक करके। अगर आप एक साथ पूरे चने को ऐड करेंगे तो ये चिपक जाएंगे आपस में, तो आपको एक एक करके ऐड करना है। आप हाथ से भी कर सकते हो और स्पून से भी कर सकते हो, डिपेंड आप पे है आपको कौन सा वे इजी लगता है। मैं अभी फ़िलहाल स्पून से कर रही हूँ, मुझे ये वे बहुत इजी लग रहा है। इसमें अच्छे से कोट भी हो जा रहा है हमारा चना, और फ्राई करने में काफ़ी आसानी हो रही है मुझे। तो आप भी इंशाल्लाह एक बार ट्राई कीजिएगा ये वे मेरा, तो आपको भी बहुत इजी लगेगा। ऐसे इसी तरीके से सारे चने को फ्राई कर लेना है, हाफ फ्राई करना है। फिर उसके बाद में सारे हाफ फ्राई चनों को बहुत ही ज़्यादा तेल को अच्छी तरीके से गरम करना है, और सारे चने अगेन तेल में डीप करना है, जिससे हमारे चने एकदम क्रंची हो जाएंगे। अगर डायरेक्टली आप इसको क्रंचीनेस करना चाहोगे तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पहले आप थोड़ा कर लोगे फ्राई, फिर थोड़ा फ्राई करोगे अगेन, तो उससे आपके बहुत ही क्रंची चने रेडी हो जाएंगे। देखिए मेरे सारे चने हो गए फ्राई। अब इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसको टॉस कर दूँगी, और अगेन मैं चाट मसाला ऐड करूँगी इसमें। देखिए कितने खुले खुले चने बने हैं हमारे, इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। फाइनली हमारा लहसुनी चना हो गया रेडी, इंशाल्लाह आप भी कीजिएगा ट्राई। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।